राजनीति नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। पूरा जांच निष्पक्ष बात से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हम पूरे उस परिवार के साथ हैं। जो कुछ भी न्याय करना है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश का हमारा सदस्य इस पर कॉमेंट करना चाहते हैं, कृपया आलो कर दीजिए। जगदंबिका पाल जी, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता ने आज राज्य के विषय को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कि पीड़िता के परिवार के साख को मिटाने के लिए ट्रक से हत्या करने का प्रयास हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह का था। ये जवाब दे दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह, तो क्या वो साक्ष मिटाने का प्रयास जो समाजवादी पार्टी कल से सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी, आज उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच की संस्तुति इस ट्रक के दुर्घटना की भी कर दी है। पहले भी जो हत्या हुई थी उसकी भी सीबीआई की जांच है, और जो विधायक वो जेल में है, उन्नाव से सीतापुर में है, जिस तरीके से सरकार ने इस पर कार्रवाई की है, ये राजनीति कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था कुछ दुरुस्त है, और ये जो घटना है, शुरू में ही डीजी ने कहा था ये घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसी समय से ये कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि ये भाजपा की साजिश है, लेकिन आज पूरा देश जान गया है कि उस साजिश में अगर शामिल थे तो समाजवादी पार्टी के लोग थे। उनका ट्रक था, उनके परिवार का ट्रक था, और वो दुर्घटना हुई है और उसकी सीबीआई की जांच की संस्तुति हो गई है। इसलिए ये सदन का समय खराब कर रहे हैं। ये जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में की कोई जमीन नहीं बची है, आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अमेठी हो, रायबरेली हो, आज वहां पे उत्तर प्रदेश, इसलिए ये आज उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं सदन की कार्रवाई व्यवस्थित करें। धन्यवाद। इस मुद्दे को लेकर के हम उस बेटी के साथ में, उस परिवार के साथ में हैं, लेकिन जो ट्रक वाला है लरौली का, फतेहपुर जिले का है, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, और मेरे क्षेत्र का है वो फतेहपुर का रहने वाला ट्रक वाला, और उसके प्रकार हो, ये समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए काम कर रही है। और ये लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा है, तस्वीरें आप देख रहे थे। जगदंबिका पाल, इसके साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति ने इस बात का जिक्र किया कि जो ट्रक थी वो समाजवादी पार्टी के नेता की ट्रक थी और वो उन्हीं के इलाके का रहने वाला है, पूरी बात जान रही हैं, और इसमें सियासत होना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। दिल्ली उन्नाव हादसे पर सदन में संग्राम हो रहा है, लोकसभा में, लोअर हाउस में, लोकसभा में उन्नाव का मामला उठा है, वो भी प्रश्नकाल में। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हो रहा है, सदन के बाहर और सदन के भीतर। सदन में गृह मंत्री को बुलाने की मांग की जा रही है, यानी अमित शाह को बुलाने की मांग की जा रही है। गृह मंत्री खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान और लोजपा के अध्यक्ष, एक नया बिल है और जो बिल था वो 1986 में एक्ट बना था दिसंबर में, और 33 साल के बाद ये बिल दोबारा क्या कहते हैं
मोशन मूव कर दो, प्रस्ताव कर दो। तो मैं आपकी अनुमति से उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूँ। में बना था और उसके बाद से लगातार मांग हो रही थी कि जो उपभोक्ता है उनका आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप पीछे होते इधर से उनका आवाज आ रही है। ये बोलिए, आप बोलिए, हम खेत में प्रवेश दीजिए, पीछे हो जाइए, उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्नाव हादसे में सदन में जोरदार संग्राम हो रहा है। लोकसभा में उन्नाव का मामला उठाया गया और देश के गृहमंत्री अमित शाह को बुलाने की मांग की गई, क्योंकि उनसे जवाब मांगा जाएगा और प्रश्नकाल में पूर्व निर्धारित विषयों पर चर्चा हो रही है, प्रश्नों के जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन सदन में इतना हंगामा है कि ऐसा बाकी सदस्य नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इधर तस्वीरें बहुत क्लियर है। एक तरफ धरने, ध्यान दीजिएगा, जरा इसको समझिएगा, जो पहली तस्वीर है वो सदन में संग्राम की है, दूसरी तस्वीर है पीड़िता के चाचा को पैरोल मिले इसलिए लखनऊ ट्रामा सेंटर के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं धरने पर, और ये सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि अंतिम संस्कार में शामिल हो सके इसलिए पीड़िता के चाचा को पैरोल दे दिया जाए, जो कि रायबरेली जेल में अभी बंद है और इन्हीं से मिलने के लिए परिवार जा रहा था। दो तस्वीरें हैं उन्नाव केस में, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है, हर कोई इंसाफ मांग रहा है इस मामले में। हालांकि ये बहुत क्लियर है, राज्य सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को सीबीआई को सौंप दिया है, अब सीबीआई इसकी जांच करेगी, यानी केंद्र से सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच की, और कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, उनके भाई पर और 10 अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ये देखिए संसद के बाहर की तस्वीर है जहां पर जया बच्चन मौजूद हैं, ये समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद है, अपर हाउस की सांसद है। राम गोपाल यादव ये भी अपर हाउस से है। ये सारे लोग संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उन्नाव मामले पर न्याय चाहते हैं, यानी सदन के बाहर, सदन के भीतर हर तरफ हंगामा हो रहा है और गूंज सिर्फ उन्नाव मामले की सुनाई दे रही है। चारों तरफ पूरा विपक्ष एकजुट है, लामबंद है और वो चाहता है कि सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे, राज्य सरकार कहीं ना कहीं ढिलाई दे रखी है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। सदन से लेकर सड़क तक लगातार हंगामा हो रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद के भीतर भी हो हंगामा हो रहा है और संसद परिसर के बाहर भी देख रहे हैं और पूरे देश में उन्नाव मामले की गूंज सबको सुनाई दे रही है चीख चीख कर। हादसे पर सियासत लगातार की जा रही है, ऐसा पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसमें जानबूझकर सियासत की जा रही है, क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति ने यह बहुत क्लियर कहा कि ट्रक उन्हीं के इलाके की है और वो समाजवादी पार्टी के नेता नंदू पाल के बड़े भाई देवेंद्र पाल की है, ये उन्होंने सदन में बताया है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता ने आज
राज्य के विषय को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कि पीड़िता के परिवार के साक्ष को मिटाने के लिए ट्रक से हत्या करने का प्रयास हुआ है। मैं कहना चाहता हूं ये देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह का था। ये जवाब दे दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह तो क्या वो साक्ष मिटाने का प्रयास जो समाजवादी पार्टी कल से सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी, आज उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच की संस्तुति इस ट्रक के दुर्घटना की भी कर दी है। पहले भी जो हत्या हुई थी उसकी भी सीबीआई की जांच है और जो विधायक वो जेल में है, उन्नाव से सीतापुर में है, जिस तरीके से सरकार ने इस पर कार्रवाई की है ये राजनीति कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और ये अपराधी होते हैं, जितना अपराधी होता है वो चालाक बहुत आरोपी। अच्छा लेकिन वो बीजेपी के एमएलए अभी तक बना हुआ है, बीजेपी में से कार्रवाई नहीं की पार्टी ने। समझ लीजिए कि बीजेपी कितनी चरित्रवान वाली। सर जेल से ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, देख लीजिए तो जेल से ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। राजीव जी सुन लीजिए सवाल किसी और का है कि उस विधायक को उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश या राजस्थान की जेल में भेजा जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग मरे हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है या जो साजिश में शामिल हैं अधिकारी भी, उनके खिलाफ भी उनकी जिम्मेदारी निश्चित हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ट्रायल पहले से चल रहा है उसको, उसका ट्रायल बहुत जल्दी हो ताकि उसको सजा हो सके। और नए मामले को मैं भी सीबीआई को भेज दिया गया है, सीबीआई जल्दी तथ्य इकट्ठा करके चार्जशीट पेश करें ताकि ये अपराधी किसी तरीके से बचने। सीएम साहब रशिया जा रहे हैं सर, रामगोपाल जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि मामले को जा रहे हैं के लिए और बाहर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मिल पाएगा। राज है कैमरा में सुरक्षा के साथ राजीव जी को भी दिया गया। राजा साहब आइए, राजा जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, यहां पर रामगोपाल यादव सदन के बाहर ये कह रहे हैं कि जिनकी मौत हुई है उन्हें 50 लाख का मुआवजा मिले और साथ ही साथ इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर की जेल में भेजा जाए दूसरे राज्य में। हालांकि राज्य सरकार ने तो सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र से कर दी है और एफआईआर भी लिख ली गई है कुलदीप सेंगर के खिलाफ। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर भारी हंगामा किया है उन्नाव में रेप पीड़िता के एक्सीडेंट के बाद और दो लोगों की मौत के बाद जी, और इस पूरे मामले को साजिश मान रही है समाजवादी पार्टी और सीबीआई जांच की बहुत जल्दी सिफारिश की मांग की है। 50 लाख का मुआवजा मांगा है और साथ ही साथ कुलदीप सेंगर को मध्य प्रदेश या राजस्थान की किसी जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन चल रहा है संसद में, भारी हंगामा हुआ है और ये मुद्दा अब एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव इधर ट्रामा सेंटर जा रहे हैं मिलने, समाजवादी पार्टी संसद में धरना कर रही है, कांग्रेस आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रही है, उसका धरना चल रहा है जीपीओ पर। तो उत्तर प्रदेश में एक तरह से कहा जाए चौतरफा विपक्ष के आरोपों से घिर गई है सरकार और सरकार के सामने इस चुनौती से बच के निकलने की एक बड़ी समय की घड़ी है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़िता को बिना सुरक्षा कर्मियों को कैसे जाने दिया गया, पूरे परिवार को मरवा दिया गया है। लेकिन वहाँ के डीजीपी कहते हैं कि ये तो एक महज एक्सीडेंट है, तो किस तरह की जांच की उनसे उम्मीद किया गई थी। इसलिए हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने डिमांड की है कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुद इसमें कॉग्निजेंस लेकर के और इसकी जांच को अपनी देखरेख में कराना चाहिए। तो लगातार आप सुन रहे हैं सतीश चंद मिश्रा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में जांच पड़ताल कराई जानी चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र जी, यहां पर बसपा की अलग से डिमांड आ गई है, उनका कहना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और अपने निगरानी में जांच कराए। बिल्कुल, मायावती ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले क्योंकि कुलदीप सेंगर सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है और पहले पिता की हत्या हुई, फिर मां की हत्या हुई और सारे गवाहों की हत्या हो रही है, तो इस पर बसपा ने ये सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। लेकिन देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्नाव के एसपी ने कैसे पीड़िता को अकेले जाने दिया। अगर किसी को जीवन भय है
तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके लिए स्कोर्ट उपलब्ध कराएं, अगर वो कहीं जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, अगर गाड़ी में जगह नहीं है तो माननीयों को स्कोर्ट दी जाती है, वाहन दिए जाते हैं। तो आखिर पीड़िता जब जा रही थी इलाहाबाद रायबरेली, तो क्यों नहीं दिया गया उसको स्कोर्ट, पुलिसकर्मी क्यों नहीं रहे साथ में? ये पूरा मामला देखिए उस दिन से है जब उन्नाव में ये कांड हुआ और कुलदीप सेंगर जेल गए, और उस समय पुष्पांजलि जो वहां की एसपी थी, इस पूरे मामले की शुरुआत वहां से हुई। यही एडीजी जोन जो आज लखनऊ में बैठे हुए हैं राजीव कृष्णा, यही उस समय एडीजी थे, इन्होंने तमाम सारी जांचें की थी। ये अधिकारी आज भी बने हुए खाली बयान देते रहते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये आज संसद में मुद्दा उठा है, भारत के गृह मंत्री से मांग हो रही है कि वो जवाब दें। उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर पूरे देश में हाहाकार मच गया है। अब ये अधिकारी हर बार अपनी गर्दन बचा लेते हैं, राजनेताओं को फंसा देते हैं, सरकारों की किरकिरी कराते हैं, और वही सब होता दिख रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल वही होता दिख रहा है, बहुत स्वाभाविक है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी इसी तरह का हंगामा हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इस बाबत यह कहना है कि उन्होंने इस मामले में कहीं से कोई कोताही नहीं बरती है और केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आपको बने रहना है भारत समाचार के साथ।